وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك ولاك أجمعين فاطر السماوات والأرض وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. कल हमने अरकान नमाज में से तशहुद की तरफ इशारा किया था. तशहुद के बाद मरहला आता है सलाम का. जाहिर सी बात है कि सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है. अगर आप खुदा के अस्मा और सिफात को गिनेंगे तो उसमें से एक सलाम भी है, सलामुल मोमिनुल मुहैमिन वगैरह. और सलाम नमाज जैसी मानवी सफ़र का आखिरी मरहला है, आखिरी मंजिल है. और चूँकि नमाज मोमिन की मेराज है, जब रसूल ने मेराज किया तो वापस आए तो ख़ुद रसूल चूँकि रहमतुलिल आलमीन हैं, तो जब ख़ुद उन्होंने मेराज कर लिया तो अपनी उम्मत को मेराज से महरूम रखना गवारा नहीं किया कि मैं मेराज करूँ मेरी उम्मत मेराज से महरूम रहे. लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है. तो ये बुलंदियों वाला सफ़र है और इस सफ़र का इख्तिताम सलाम के ज़रिए से होता है. यानी ये मुकद्दस तरीन और मानवी तरीन सफ़र है इंसान के लिए नमाज. तो मुकद्दस नाम खुदावंद आलम से इस सफ़र का इख्तिताम होता है. उस्ताद हुसैन अंसारियान ज़ीदा इज़्ज़ो तमाम शराइत और कवाइद के साथ और खुशु व खुज़ु के साथ नमाज अदा करता है. उनके बारे में फरमाते हैं कि वो इंसान इस बुलंदी पर पहुंच जाता है कि जब वो सलाम करता है मुकद्दस हस्तियों को तो ऐसे ही सलाम करता है जैसे वो उनके सामने खड़े हुए हों. सलाम का पहला जिक्र किया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम हो आप पर. आम तौर से इंसान सलाम करता है अनबिया को मासूमीन को ज़मीर गायब के ज़रिए से गायबाना अंदाज में, उन पर सलाम हो उन हस्तियों पर सलाम हो. लेकिन नमाज के ज़रिए से इंसान इतना करीब हो जाता है कि वो रसूल को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है. लिहाजा कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी खुदा आप पर मेरा सलाम. आप उसी वक्त कहा जाता है जब इंसान के वो रूबरू और उसके मुकाबिल खड़े हुए हों. तो नमाज इंसान को इस बुलंदी पर पहुंचा देती है कि वो रसूल जैसी मुकद्दस हस्ती अल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती को अपने सामने महसूस करता है. यानी रसूल के और नमाजी के दरमियान किसी फासले को वो महसूस नहीं करता. तो बहरहाल ये सलाम यानी नमाज की बुलंदी है कि सलाम इस अंदाज में इंसान करता है. और दूसरा फिक्रा सलाम का, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हमारे ऊपर और तमाम अल्लाह के सालेह और नेक बंदों पर. तो यहाँ पर भी देखिए इंसान को नमाज इतनी बुलंदी अता करती है कि वो खुदा की जानिब से दरूद और सलाम का मुस्तहक बन जाता है. और ऐसे ही अल्लाह के सालेह बंदे हैं कि जिनकी वजह से खुदा बंदे आलम अजाब को रोके हुए रखता है. रिवायत में मिलता है कि कुछ खाशे और खाज़े बंदों की नमाज की वजह से
खुदावंद आलम पूरी आबादी के आज़ाब को रोकता है। फ़र्ज़ करें एक बस्ती में, एक देहात में हज़ार लोग हैं, हज़ार में से सिर्फ़ एक ही बंदा है जो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ता है और उसकी नमाज़ खुशू व खुजू के साथ होती है, तो रिवायत के मुताबिक उस एक आदमी की वजह से उस पूरी बस्ती के अजाब को बरतरफ कर दिया जाता है। खुदा कहता है कि मेरे इस एक बंदे ने रुए ज़मीन पर मुझे याद कर लिया है तो इसके सदक़े में सबके ऊपर से अजाब उठा दो, है ना। तो ये सालेह बंदों की खसूसियात है। इसकी एक मिसाल अगर मैं दूँ तो रिवायत में है जनाब ज़करिया इब्ने आदम आठवें इमाम इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्होंने ज़िंदगी की है। बहुत ही नेक मुकद्दस सालेह इंसान जिसे कहा जाए, ये कुमुल मुकद्दस में थे और जब इन्होंने देखा कि कुछ जुल्म कुम में हो रहा है और कुछ गुनाह फैल चुके हैं तो इन्होंने आठवें इमाम को ख़त लिखा कि ए फरजंदे रसूल, अब कुम में कुछ गुनाह आम होते जा रहे हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं कुम को छोड़ देता हूँ, सरजमीन कुम को छोड़ देता हूँ, तर्क कर देता हूँ। तो आठवें इमाम ने जवाब में लिखा कि ए ज़करिया इब्ने आदम, अल्लाह ने तुम्हारी वजह से कुम के अजाब को रोके हुए है, अगर आप चले गए तो फिर कुम वालों पर अजाब होगा, लिहाजा आप कुछ दिन सब्र करें और कुम ही में रहें। तो इनका रोज़ा भी कुमुल मुकद्दस में है। तो इबादिल्लाह सालिहीन यानी अल्लाह के सालेह और नेक बंदे वो मकाम हासिल कर लेते हैं इस नमाज के नतीजे में कि वो खुदा की जानिब से दरूद और सलाम के मुस्तहक हो जाते हैं। और आखिरी फ़िक्रा जो नमाज के इख्तिताम पर इंसान कहता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम हो आप पर। तो यहाँ पर मुराद बाज़ रिवायतों में है कि इस अलैकुम से मुराद फरिश्ते हैं, यानी जब इंसान हालत नमाज में होता है तो खुदा की तरफ से फरिश्ते आते हैं और अपने परों को उस नमाजी से मस करते हैं कि ये बंदा इतना बुलंद है कि अगर हमने अपने परों को इनसे मस कर लिया तो फिर हमें भी बुलंदी नसीब होगी, है ना। फरिश्ते और बस अब ये है कि इंसान इस मकदार में आहिस्ता से नमाज पढ़े कि फरिश्तों को पर लगाने का मौका मिले, है ना। अगर इतना जल्दी वो उठक बैठक करता है उनको मौका ही नहीं मिलता तो फिर क्या किया जाए। अगर कोई सुकून से आराम से नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते अपने पर लगा के फख्र करते हैं कि मैंने आज एक नमाजी से अपने परों को मस कर लिया है। तो अस्सलामु अलैकुम जो जमा का सेगा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, अलैकुम में ज़मीर जो है वो जमा मुखातब की है, आप फरिश्तों पर सलाम हो, आप पर सलाम हो, सही। तो इसीलिए मुस्तहब भी है हमारे यहाँ जब आखिरी सलाम का जुमला वो तमाम करता है तो ये जुमला तमाम होने के बाद दाहिनी और बाएं तरफ इशारे से देखें, आंखों के इशारे से, ना ये कि मसलन पूरी सूरत घुमा दे जैसे दूसरे मजाहिब में है, लेकिन हमारे उसमें मुस्तहब है। क्यों? इसलिए कि इंसान हालत नमाज में होता है तो फरिश्ते उसके दाएं भी होते हैं बाएं भी होते हैं, तो वह अस्सलामु अलैकुम कहता है ताकि उनको देखे और फरिश्ते भी उसे देख रहे होते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और इस हवाले से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की भी एक रिवायत है। सलाम का एक माना सलामती का है, तो इमाम फरमाते हैं कि आखिरी सलाम इंसान देता है तो उसके लिए ये ऐलान है खुदा की जानिब से कि जाओ हमने तुम्हें आतिश जहन्नम से महफूज कर दिया, अब तुम इतने सही और सालिम हो चुके हो कि आतिश जहन्नम तुम्हें छू नहीं सकती, है ना। नमाज के नतीजे में इतना इंसान बुलंद मकाम हासिल कर लेता है।
तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान खुशू और खुजू के साथ नमाज बजा लाए, तमाम उसूल और कवायद जो शराइत बयान किए गए नमाज के लिए उन शराइत को मद्देनजर रखते हुए मानवी सफ़र का आगाज करे और मानवी कैफियत रख के सफ़र का इख्तिताम करे, तो खुदा बंदे आलम उसे इतना बुलंद कर लेता है कि आखिरी सलाम करता है तो उसके बदले में फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देते हैं और जहन्नम से नजात की जमानत देते हैं। खुदा की बारगाह में दुआ है खुदा बंदे आलम हम सबको सही मानों में वाकई मानों में नमाज के माना को समझकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على